नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डायनेमिक न्यूज पर। दोस्तों आज हमारे सामने एक बड़ी ही दुखद खबर अभी अभी मालूम लगा कि बॉलीवुड के जाने माने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा के घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। क्या कारण है इसके पीछे, अभी तक इस कारण का पूरा एग्जैक्ट कारण पता नहीं लग पाया है। पर दोस्तों इस लॉकडाउन के दौरान सुनने में ऐसा आया है कि लॉकडाउन के दौरान काम ना होने की वजह से जो सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। ये जो खबर है इसकी सारी की सारी जानकारी सुशांत सिंह के घर में काम करने वाले एक नौकर ने पुलिस को दी और उसके बाद में उन्होंने जांच पड़ताल स्टार्ट की। अभी तक एग्जैक्ट क्या रीजन रहा है इस डेथ के पीछे वो कारण मालूम नहीं लग पाया है। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत जो हैं, उन्होंने बहुत से टीवी सीरियल्स में काम किए जिनमें से आप लोग जानते हैं पवित्र रिश्ता और भी ऐसे कुछ अच्छे अच्छे टीवी सीरियल्स में उन्होंने काम किया और खूब नाम कमाया। उसके बाद में उन्होंने बॉलीवुड में इंडस्ट्रीज में एंट्री की 2013 में काई पोचे मूवी में से, और उसके बाद उन्होंने जो बड़ी ही फेमस मूवी महेंद्र सिंह धोनी पर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ महेंद्र सिंह धोनी जो मूवी है वो बनाई, जिसके बाद उनके कैरेक्टर को उन्होंने इतना अच्छे तरीके से निभाया कि उन्हें बॉलीवुड में बहुत ही अच्छे से काम मिलना स्टार्ट हो गया। दोस्तों क्या कारण है इस इनकी मौत के पीछे? दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत ने छिछोरे मूवी में बड़ा ही अच्छा किरदार निभाया और उन्होंने उसमें यह साबित किया कि सुसाइड हर बात का सॉल्यूशन नहीं है, परंतु आज वो इस स्टेज पे पहुंच कर खुद ही सुसाइड कर चुके हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन के दौरान बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में ये पहला नहीं, दूसरा ये नहीं, तीसरे से चौथी बार ऐसा हुआ है कि किसी सेलिब्रिटीज की मौत हो गई है। सबसे पहले अब आप देख सकते हैं श्रीदेवी, फिर इमरान खान, फिर ऋषि कपूर, उसके बाद में सुशांत सिंह राजपूत। दोस्तों जरूर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे सामने नहीं आ पा रही है, कहीं ना कहीं कोई कारण रहा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया। तो जरूर हमारे सामने जो भी कारण होगा वो कारण जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ऐसे न्यूज़ के लिए मेरे YouTube पे जुड़े रहिए, चैनल पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और जो भी आपकी राय हो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।